हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ विम्पी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप हेयर ऑयल ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बालों में ऑयल लगाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हम में से कुछ लोग अपने बालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे बाल किसी तरह बस सॉफ्ट हो जाएँ, स्मूथ सिल्की हो जाएँ, लेकिन मेहनत हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कम से कम हफ्ते में आपको 2 से 3 बार हेयर ऑयलिंग करनी ही पड़ेगी। हेयर ऑयलिंग की बात जब भी आती है तो दिमाग में एक चीज़ क्लिक ज़रूर करती है कि ऑयल कौन सा लें। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हो, जो भी आपको सूट करता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वो ऑयल जो आप ले रहे हो वो ज़्यादा खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो आजकल ऑयल आते हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें खुशबू होती है, तो उसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्योर ऑयल लें। आलमंड ऑयल आप ले सकते हो, कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो, ऑलिव ऑयल आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बस आप कोकोनट ऑयल लीजिए और बस शुरू हो जाओ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी ठंडी का मौसम है, तो जो ऑयल है कोकोनट ऑयल, जो प्योर कोकोनट ऑयल होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया है कुछ सेकेंड्स के लिए। आप भी माइक्रोवेव कर सकते हो ऑयल को, लेकिन आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ हल्का सा वार्म करना है। आप अगर ज़्यादा गर्म कर दोगे तो आपके जो रूट्स हैं बालों की वो डैमेज भी हो सकती हैं, या फिर आप डबल बॉयलर की मदद से भी आप ऑयल को वार्म कर सकते हैं। सीधा अगर आप गैस पे करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा सा वार्म कोकोनट ऑयल ले लिया है और मैंने एक कॉटन को थोड़ा सा गीला कर लिया है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कॉटन में ऑयल को डिप करते हैं तो कॉटन के अंदर बहुत सारा ऑयल, मैक्सिमम ऑयल जो है कॉटन एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे क्या होता है, जब हम अपने रूट्स पर लगाएंगे तो सारा स्पिल हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो ऑयल के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता। तो इसलिए जब हम इसे ऑयल के अंदर अब डिप करेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और हमारे जो सर से ऑयल स्पिल भी नहीं करेगा। वैसे तो ऑयल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है आपके फिंगर टिप्स, लेकिन आप सब लोग जानते हैं जो हमारी लड़कियों के जो नाखून होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, तो स्कैल्प पर ऑयल मसाज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर आपके भी नाखून जो है लंबे हैं तो आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉटन से क्या होता है, कॉटन से जो है वो आपके बालों पर ऑयल बहुत ही अच्छे से लग जाता है। ऑयल लगाने से पहले अच्छा ये होगा कि आप अपने बालों को अच्छे से डीटैंगल कर लें। इससे बालों में ऑयल अच्छे से लग जाता है और आपके बालों में जो उलझनें होती हैं वो काफ़ी कम पड़ती हैं। अभी एक साइड पर तो ऑयल लग गया अच्छे से, अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ ऑयल लगाऊंगी सेम कॉटन की मदद से। देखिए, अगर आपका स्कैल्प जो है ऑयली है पहले से ही, तो आप अपने बालों पर ऑयल कम लगाएं। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनका स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है और वो हर दूसरे तीसरे दिन ऑयल लगा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें एक्सेस में होने लगती हैं तो वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान ही देने लगती हैं। को ये ध्यान रखना है कि अपनी, और एक बात का ध्यान रखें, आप अपने बालों पर ऑयल लगाने के लिए आप पाम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके से रगड़े मत अपने स्कैल्प पर। इससे क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं और इससे हमारे बाल टूटने लगते हैं। आप अपने बालों पर मसाज करने के लिए सिर्फ फिंगर टिप्स का ही इस्तेमाल करें, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए। आप अपने बालों पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और आप अपने बालों को मत भूलें, सिर्फ स्कैल्प पर ही आपको मसाज नहीं करना, आपको टिप तक मसाज करना है। आपके रूट से लेकर टिप तक अच्छे से मसाज करना है अपने बालों पर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप अपने बालों में एक दिन से ज़्यादा ऑयल को बिल्कुल भी मत रखिए, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ऑयल जब हम ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा दिन तक रखते हैं, उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा मैं आपको बताऊं उसका क्या है, कि जब हम ऑयल लगाकर रखते हैं, अब जब हम बाहर जाते हैं तो जो धूल मिट्टी होती है हमारे बालों के ऊपर आकर चिपक जाती है,
उसका ये फायदा है कि वो जो गंदगी होती है वो हमारे रूट्स तक नहीं जाती, सिर्फ ऊपर ऊपर चिपक कर रह जाती है। और उसका ये नुकसान है कि जब वो जो गंदगी होती है जब बालों के ऊपर चिपक जाती है वो अपना थोड़ी देर के बाद बैक्टीरिया छोड़ने लगती है, लेकिन वो जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया हमारे रूट्स के अंदर तक चला जाता है और हमारे बालों को जो है वो वीक कर देता है और हमारे बाल टूटने लगते हैं। इसीलिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, इम्पॉर्टेंट है हेयर ऑयलिंग। तो अभी मैं अपने बालों को क्लच कर लूँगी। तो अभी 4 घंटे हो चुके हैं मुझे बालों में ऑयल लगाए हुए। तो अभी क्या क्या है, मैंने अपने बालों को टॉवल से रैप किया हुआ है। एक्चुअली गर्म पानी में मैंने इस टॉवल को डुबोकर उसमें से जो एक्सेस वाटर था वो निकाल दिया है और अब मैंने इसे इस तरह से रैप कर लिया। इससे क्या होगा कि जो ऑयल हमने लगाया है वो बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैंने अभी अपने बालों को वॉश कर लिया है एक माइल्ड से शैम्पू से। वो जो टॉवल मैंने रखा था अपने बालों में वो सिर्फ मैंने 15 से 20 मिनट तक रखा था और उसके बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। तो अभी मैं अपना ये स्ट्रीक्स का जो हेयर सीरम है ये अप्लाई करूँगी, लेकिन मैं इसे बहुत कम लगाती हूँ अपने बालों में, बहुत ही कम, जब कहीं जाना होता है तब या फिर महीने में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें अपने बालों के साथ हमारी स्किन के साथ जितना हम नेचुरल रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं वो हमें खूबसूरती तो देती हैं लेकिन वो जो खूबसूरती होती है ना वो टेम्परेरी होती है, और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमें खूबसूरती देर बाद देती हैं लेकिन वो जो खूबसूरती होती है वो बहुत देर तक रहती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बालों के साथ अपनी स्किन के साथ जितना नेचुरल रहें उतना अच्छा है, और जब भी आप कोई सीरम अगर लगा रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप उसे अपने स्कैल्प पर अपने रूट्स पर बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा अपने बालों पर इस तरह से लगाएं, अपने रूट्स पर मत लगाएं। और इस यही सेम चीज़ आप किसी भी कंडीशनर के साथ करें, कोई भी अगर आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हो शैम्पू के बाद, ठीक उसे भी आप सिर्फ अपने बालों पर लगाएं, स्कैल्प या रूट्स पर बिल्कुल भी ना लगाएं। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब भी आप बालों को वॉश करते हैं आप बालों को वॉश करने के बाद कंघी या अपने बालों को ब्रश बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं, जब भी हम कंघी करते हैं अपने बालों पर धोने के बाद बालों को तो वो बहुत ही जल्दी टूटने लगते हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप कॉम कीजिए, वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी कॉम मत कीजिए अपने बालों पर जब भी आपके बाल गीले हों। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक, वीडियो को शेयर, और जाते जाते नीचे जो लाल बटन है उसे प्रेस कीजिए, साथ में आएगी एक छोटी सी बेल आइकन उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप मेरी और भी बालों वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मेरा हेयर केयर रूटीन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।